दूसरा इनको हरगिज पसंद नहीं है कि आप एक सियासी क्यादत आपकी बन रही है, सियासी लीडर बन रहे हैं। जहां कहीं भी मजलिस जाती है वहां पर एक लीडरशिप उभरती है और वो लीडरशिप को इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दोनों का एक ही मामला है। पूरे मुल्क में बीजेपी मुस्लिम अकलियत को गायब करके रख दी सियासी मैदान से, ना किसी को टिकट देते, ना इनके 300 एमपी में कोई मुस्लिम अकलियत का एक एमपी है, ना कोई मुस्लिम वजीर है। और यही हाल कांग्रेस का, ये सिर्फ उन लोगों को पसंद करते जो इनकी चापलूसी करते और इनके सामने आंखें और गर्दन झुकाकर खड़े होते। इनको असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई पसंद नहीं आता जो इनकी आंख में आंख डालकर लड़ता है, मुतालिबा करता है और सच्चाई को बयान करता है। इसीलिए मजलिस से मुखालिफत की ये भी वजह है कि ये हैदराबाद से निकलकर ये क्यों जाते उत्तर प्रदेश में, आप सुनते होंगे कांग्रेस वालों से, ये क्यों जाते उत्तर प्रदेश को। अरे भाई, उत्तर प्रदेश किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। मुझे आईन इस बात की इजाजत देता कि मैं कहीं भी जाऊं, मोदी गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाकर दो बार एमपी बन सकते, ये राहुल गांधी अमेठी की सीट हारकर केरल को जाकर इलेक्शन लड़के जीत सकते, मैं नहीं कर सकता हूं, अपनी पार्टी को लेकर नहीं जाता हूं। नहीं, क्यों जाते आप इलेक्शन हारते? अरे ये लोगों को मालूम ही नहीं, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा लड़े थे, हारे। एक नहीं, दो या तीन मरतबा लड़े, कई मजलिस के कायदीन लड़े, मगर जब जीते तो अब तक कोई माइका लाल अल्लाह के फजलो करम से मजलिस को हरा नहीं सका।